तो न्यूमेरिकल ऑफ ट्रांसफॉर्मर में 85 नंबर शीट है, पहला फॉर्मूला E2 बाई E1। देखो मैंने आपको EPES करवाया आपके इस असाइनमेंट के अंदर। E1 का मतलब है प्राइमरी, E2 का मतलब है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, प्राइमरी बाई सेकेंडरी का करंट N2 बाई N1, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर 100% एफिशिएंट है ट्रांसफॉर्मर तो E1 I1 E2 I2 है, और अगर 100% नहीं है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। तो इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 67। देखो, दी प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। बोलो क्या गिवन है? N1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या गिवन है? K गिवन है। इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का मतलब प्राइमरी वोल्टेज, एंड पावर आर गिवन। इनपुट वोल्टेज का मतलब प्राइमरी वोल्टेज, यानी कि E1 एंड P1 भी गिवन है, ठीक। कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी का मतलब क्या है? क्या निकालना है? N2, ठीक। तो देखो इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी का मतलब क्या निकालना है? N2, ठीक। अब मुझे K पता है, K क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। N1 पता है, K पता है, N2 आ जाएगा। पहला आंसर क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी करंट का मतलब I1। अब इसके लिए मुझे पता है क्या गिवन है? P1। P1 बोलो क्या होता है? P1 होता है E1 into I1। E1 मुझे पता है, P1 मुझे पता है, क्या आ जाएगा? I1। ये स्टेप भी क्लियर है, ठीक है। तो पावर से I1 आ गया। नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, क्या निकालना है? E2। अब मुझे पता है E2 by E1 is equal to ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि 100। तो मेरे को इस क्वेश्चन में E1 पता है और क्या आ जाएगा? E2। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है करंट इन दी सेकेंडरी, यानी कि I2। अब मुझे पता है कि E2 बाय E1 इज इक्वल टू I1 बाय I2, ठीक है। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन में ये भी पता है, ये भी पता है, और P1 से मैंने क्या निकाल लिया था? I1। तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा? I2। नेक्स्ट है पावर इन दी सेकेंडरी P2। P2 क्या है? E2 इंटू I2। E2 पता, I2 पता, आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है कि फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट करना है वो है 68, नहीं होगा 69। 69
क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर हैज, बताओ क्या क्या गिवन है। 500 टर्न्स इन प्राइमरी N1 गिवन है, 1000 टर्न्स इन सेकेंडरी N2 गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज E1 गिवन है, लोड इन द सेकेंडरी R2 गिवन है। लोड हमेशा सेकेंडरी में देखा जाता है, R2। क्या निकालना है? करंट इन द प्राइमरी, तो करंट इन द प्राइमरी का मतलब क्या निकालना है? I1, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर एक आइडल ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि 100% एफिशिएंट है। तो ये फॉर्मूला तो वैलिड है, E1 I1 इज E2 I2। हमने क्या निकालना है? I1। हमें क्या चाहिए? E2। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या गिवन है? E1। तो पहले E2 by E1, N2 by N1 से क्या निकलेगा? E2। E2 आ गया, और क्या चाहिए? I2। अब I2 क्या होगा? सेकेंडरी का करंट इज सेकेंडरी की वोल्टेज बाय सेकेंडरी की रेजिस्टेंस, तो क्या आ गया? I2। और E1 आपको पता है, आंसर समझ में आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट 70, एन आइडल ट्रांसफॉर्मर का मतलब 100% एफिशिएंट है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर गिवन, N1 N2 गिवन। इफ पावर इनपुट टू द प्राइमरी गिवन गिवन, यानी कि P1 गिवन एट 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का मतलब E1 गिवन, क्योंकि ये प्राइमरी की बात कर रहा है पावर, तो और वोल्टेज भी प्राइमरी की है तो E1 है। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज, यानी कि क्या निकालना है? E2। तो साफ पता लग रहा है E2 by E1 is equal to N2 by N1 गिवन 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 आंसर। करंट इन प्राइमरी, यानी कि क्या निकालना है? I1। तो E2 by E1 is equal to I1 by I2। I1 निकालना है, E2 पता है, E1 पता है, I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? I2 आपको निकालना पड़ेगा पहले, तभी आंसर। इसमें निकालना क्या? करंट इन द प्राइमरी, I1 निकालना है। ओके, ऐसा करो, ये यूज कर लो, पावर पावर क्या है? P1। P1 क्या है? E1 into I1 गिवन गिवन I1। ये ज़्यादा आसान है, पावर के फॉर्मूले से I1 कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें 100% एफिशिएंट नहीं है ट्रांसफॉर्मर। चलो पहले ये कर लो, 72 कर लो। ट्रांसफॉर्मर कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, 200 टर्न्स इन प्राइमरी, यानी कि क्या गिवन है? N1। एंड 40,000 टर्न्स इन सेकेंडरी, क्या गिवन है? N2। कनेक्टेड टू 220 वोल्ट AC मेंस, ये क्या गिवन है? AC मेंस E1 होता है, जो ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड है उसका जो मेन सप्लाई है पीछे से वो 220 है। मेन सप्लाई प्राइमरी में होती है, तो ये सेकेंडरी नहीं है, तो ये 220 इनपुट है। एंड सेकेंडरी फीड्स टू 100 ओम रेजिस्टेंस, जो सेकेंडरी पोर्शन है उसके आगे इतनी रेजिस्टेंस लगी हुई है। हम कहते नहीं ट्रांसफार्मर आपकी आपके घर को फीड कर रहा है, तो आपका घर सेकेंडरी है, रेजिस्टेंस सेकेंडरी है। क्या निकालना है? आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि E2, लेकिन पर टर्न। तो एक काम करते हैं, आपको N1, N2, E1 पता है, तो E2 by E1 is N2 by N1 से पहले E2 आ गया,
ई टू को नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न। तो ई टू की जगह पर टर्न निकालना है तो ई टू बाई एन टू कर दिया। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्या निकालना है, पावर डिलीवर टू द लोड। लोड क्या मतलब, रेजिस्टेंस में पावर कितनी है। या तो फॉर्मूला यूज करो आई स्क्वायर आर सेकेंडरी में, है ना, या तो यूज करो ई टू आई टू, या यूज करो आई टू स्क्वायर आर टू, या यूज करो ई टू स्क्वायर बाई आर टू, कुछ भी, मतलब टू में यूज करना है सब कुछ, टू टू में, क्योंकि आउटपुट पावर निकालनी है सेकेंडरी में निकालनी है तो हर टर्म में टू आएगा, ई टू पता है आर टू पता है आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, बोलो। रेजिस्टेंस इसमें हाँ 100 है, ये गलत है, ये नहीं किलो ओम होगी ये, अच्छा हाँ गलत है, 100 है यहाँ पे, या तो 100 किलो ओम होना चाहिए यहाँ पे, किलो ओम के हिसाब से करेक्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर ये करो 74 ठीक है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। क्या निकालना है, आई वन विच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, यानी कि 200 वोल्ट क्या है प्राइमरी ई वन, ये गलत है, ये 200 वोल्ट ई वन 20 वोल्ट में कन्वर्ट करता है तो ई टू कितना है 20, तो 200 से 20 कर रहा है तो प्राइमरी से सेकेंडरी। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कहाँ लगी होती है सेकेंडरी में, एफिशिएंसी गिवन है 80% और आपको क्या निकालना है आई वन। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, एफिशिएंसी गिवन है 80%। आपको इस क्वेश्चन में ई टू ई वन पता है, आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आई टू निकालना है, क्योंकि आपको आर टू पता है तो ई टू बाय आर टू क्या देगा आपको आई टू, तो I2 दे दिया। क्या निकालना है I1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके I1 कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। तो इसके बेस पे आपने कुछ होमवर्क करना है, प्लस टू सब्जेक्टिव शीट नंबर आपको आज ही मिली है मेरे ख्याल से, अभी प्रिंट आउट मिले, अच्छा मिल जाए जाते हुए ले जाना, प्रिंट आउट निकला हुआ है, 54 नंबर शीट है, 54 ये होमवर्क है। तो जो आज हमने ये काम किया है इसके बेस पे 54 नंबर शीट है पूरी की पूरी। इस शीट में 6 क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, 7वां क्वेश्चन आपको डाउट आएगा, आज तक तो हुआ नहीं किसी से, आपसे हो जाए तो आप ले आना, तो रिजल्ट डाउट की फॉर्म ऐसे करेंगे, चैलेंज है ले लो, कर लो, सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन,